सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और हम इस ऑन पैसेज में आकर के बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज्यादा मजे से इस प्रोसेस को जो है एंजॉय कर रहे हैं। और अब ये प्रोसेस हमारी दी एंड होने वाली है और हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम, बहुत ही बेहतरीन जो हम सब लोगों के लिए टास्क मिलने वाला है, या यूं हम कहें कि एस मुफारे सर ने हमसे बहुत सारी बातें कही हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। अब आपको बहुत कुछ करने के लिए अब आपके पास जो है आने वाला है, जो आपको बहुत कुछ करना है, ध्यान रखना, यू आर ए फाउंडर, ब्रांड एम्बेसडर। फाउंडर क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है और ये किस लेवल पे वैल्यू रखता है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर किसी के भाग्य में नहीं होता है फाउंडर बनना, हर किसी के भाग्य में नहीं होता है ब्रांड एम्बेसडर बनना। लेकिन यहाँ पे हम एस मुफारे सर के शुक्रगुजार रहेंगे लाइफ टाइम, क्योंकि उन्होंने हम सबको इस लायक समझा। ना कोई हमसे एजुकेशन ली है, ना ही हमारा कोई इंटरव्यू लिया है, ना ही कोई हमारी जाति प्रथा धर्म और ये सब अनुयायी कुछ भी इसके बारे में नहीं पूछा है। तुम कैसे हो, कहां से हो, गोरे हो, काले हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी, इसी को कहते हैं बहुत बड़ा मौका। क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए, दिन रात पढ़ाई करते हैं और उनके बहुत सारे लोगों की नौकरी लग भी जाती है, लेकिन रेशियो कितना रहता है, ओनली 5%, 95% धक्के खाते रहते हैं। लेकिन यहां पर हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, हमसे कोई भी तैयारी करने के लिए नहीं बोला गया, हमारा कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी हम यहां पे एज ए फाउंडर के रूप में हैं। आप सोचिए कि फाउंडर, इसको आप जरा थोड़ा सही तरीके से पढ़ो, सही तरीके से बोलो, फाउंडर। फाउंडर मतलब क्या शब्द है ये फाउंडर? जब आप अपने किसी भी एक चीज की शुरुआत करते हैं अपने ही खुद के घर के अंदर, तो आप वहां के फाउंडर होते हैं। जब आप एक नया घर बनवाते हैं तो उसकी फाउंडेशन जो होती है वो जितनी मजबूत होती है, उसकी ऊपर बिल्डिंग जो टिकी होती है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। तो फाउंडेशन जो है ना, वो फाउंडर से ही बना है। तो उसका फाउंडर ही अगर कमजोर रहेगा तो ऊपर की बिल्डिंग जो है कभी भी गिर सकती है। तो फाउंडेशन का अर्थ ही है, फाउंडर से ही लिया गया है। तो यहां पे फाउंडर के लिए कौन कौन से काम अब आपको करने हैं, वो एस मुफारे सर ने हम सब लोगों से कहे हैं। अपनी आप निजी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, आप वो करते रहो और लाइफ टाइम करते रहो। लेकिन आप अगर ऑन पैसिव के अंदर हो तो आज मैं उन सारे कामों में से दो काम मैं आपको बताने वाला हूं। और एज मुफारे सर कहते हैं कि अगर मैं खुद फाउंडर होता तब भी मैं यही करता जो मैं आपसे बोल रहा हूं। अगर मैं खुद एक फाउंडर होता ऑन पैसिव के अंदर तब भी मैं यही करता। हम एक फाउंडर हैं तो हमें अब पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एस मुफारे सर ने जो है हम सब लोगों से अब बोल दिया है इनडायरेक्टली। सब लोगों को इंतजार है ना, किस चीज का? अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारने का, अपनी जो आर्थिक हालात है उसको सुधारने का। तो बस कमर कस लो। कोई भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी के घर के अंदर पैसे का पेड़ नहीं लगा होता है कि आपको बिना काम किए या बिना कुछ कहे वो आपको कुछ दे देगा। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो आपकी कैसी भी कुछ भी हो, अगर पैसे के रूप में अगर आपको कुछ मिलता है तो वो काम करने पर ही मिलता है। तो यहां पर भी हम सब लोगों को काम करना तो पड़ेगा, लेकिन आप अपने माइंड में बार बार एक बात बिठा लेते हो कि हमसे पहले बोला गया था कि आपको कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अब बोला जा रहा है कि आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, आपको यहां करना होगा, वहां करना होगा। भाई आपको जो करने के लिए बोला जा रहा है वो आपके लेवल की चीज है। और एस मुफारे सर आपको ये नहीं बोल रहे हैं, या कोई भी हमारे एलसी मेंबर आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको कुछ झंडा गाड़ना है कहीं जाकर के,
कहीं आपको किसी खेत में जाकर के हल चलाना है, कहीं खेत में जाकर के आपको कई खुरपी से जो है कोई घास काटनी है, ऐसा कोई काम आपको नहीं बताया जा रहा है। आप एक स्मार्ट बिजनेस के अंदर हैं तो आपको एक स्मार्ट काम ही बताया जाएगा अगर आपको स्मार्ट बनना है तो। अगर आपको स्मार्ट नहीं बनना है तो आपके पास और हम सब लोगों के आसपास बहुत सारे काम हैं। स्मार्ट वर्क वही लोग करते हैं जो स्मार्ट वर्क करने का तरीका और इसका रिजल्ट जानते हैं। तो हम सब लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए। एच मुफारिस सर ने बहुत 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 ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि अब आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। जब हम लोग तैयार हैं तो आप लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए, जिससे कि हम और सब लोग मिलकर के एक नई जिंदगी की यहां पर शुरुआत कर सके, एक न्यू लाइफ की शुरुआत कर सके। अगर एस मुफारिस सर खुद कह रहे थे कि अगर मैं खुद एक फाउंडर होता तो मैं यही करता, क्योंकि फाउंडर लेवल के जितने भी काम होते हैं उनकी मैं तैयारी शुरू कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से मेरी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है, यहां से मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, यहां से मेरे फैमिली की पूरी जो लाइफ है, जो स्टेटस है, वो पूरा बदलने वाला है। आपके घर के आसपास तो क्या, आपके पूरे कुनबे के अंदर, आपके पूरे खानदान के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर आपके जैसा कोई होगा ही नहीं। हर एक लेवल से बता रहा हूं मैं आपको, हर एक लेवल से, चाहे वो आपका फाइनेंशियल लेवल हो, चाहे आपका सोशल लेवल हो, चाहे आपका फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, किसी भी टाइप का लेवल हो, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हम एक फाउंडर हैं तो हम सभी को टाइम टू टाइम हमारे जितने भी प्रोडक्ट पैकेज आने वाले हैं ए टू जेड, आपको सारे प्रोडक्ट पैकेज आपको खरीदने होंगे, सब खरीदने होंगे। अब आप ये मत कहना कि मैं ये नहीं खरीद सकता। अगर आप जो प्रोडक्ट पैकेज आप नहीं खरीद सकते हो और आपके रेफरल लिंक से अगर किसी व्यक्ति ने वो प्रोडक्ट पैकेज खरीद लिया तो आपको इनकम उस पैकेज की नहीं आएगी। इसलिए हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इनकम है वो हर प्रोडक्ट पैकेज से आए, वो हर प्रोडक्ट के माध्यम से आए। कोई भी व्यक्ति कोई सा भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, हमें उससे भी इनकम आए। तो इसके लिए हमें हर एक पाइपलाइन में घुसना पड़ेगा, हमें हर एक पाइपलाइन में जाना पड़ेगा। एस मुफारिस सर खुद कहते हैं इस बात के लिए कि अगर मैं एक फाउंडर होता तो मैं कोई सा भी पैकेज होता कंपनी के अंदर, मैं सारे पैकेज खरीदता, बिकॉज मुझे पता है कि वहां से हर एक पैकेज से एक अलग इनकम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक दुकान है और आप उस दुकान से इनकम करते हैं 10,000 रुपए की इनकम, दुकानदारी नहीं, इनकम करते हैं, और ऐसे ही आपकी 10 दुकानें और हो जाती हैं, वहां से भी आपकी 10,000 की आपकी इनकम आती है, तो कितनी हो गई आपकी, हो गई ना 10 गुना। तो वैसे ही हमारे ये जो प्रोडक्ट है ना, असल में ये हमारे प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में अपनी एक प्रोडक्ट, अपनी एक कंपनी के बराबर इसकी वैल्यू रखते हैं। जैसे कि हमारे गुरसिंदर ढिल्लन सर ने पहले ही एक बार बताया था, जब हम टीम चैंपियन का वेबिनार सुनते थे तो उन्होंने कई बार जिक्र किया था इस चीज का कि हमारा जो ओ कनेक्ट है, ओ मेल है, ओ नेट है, ओ ट्रिम है, ये एक्चुअल में एक प्रोडक्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो अपने आप में एक टोटल कंपनी है। जैसे कि जूम है तो जूम की तरह हमारा ओ कनेक्ट है, जूम तो ऑलरेडी पूरी एक कंपनी की कंपनी है, तो हमारा ओ कनेक्ट भी हमारा पूरा एक कंपनी के बराबर वैल्यू रखता है। तो यहां पर हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा, अगर हमें इनकम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अगर हम अर्न करना चाहते हैं ऑन पैसिव में रह करके, तो हमें इसके रूल्स, रेगुलेशंस और हमारे प्रोडक्ट पैकेज, सब्सक्रिप्शंस वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों पे हमें गौर करना होगा। टाइम टू टाइम हमें बहुत सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं, और अगर हम उसको परचेज कर लेते हैं तो यहां से हमारे 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि हमारी एक अर्निंग का सोर्स बन जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि हमें रेफरल लिंक मिल जाती है, हम अपनी मर्जी से भी उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है
कि इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर ऑन पैसिव के अंदर आएगा तो वो किसी ना किसी फाउंडर की लिंक से ही आएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने वो प्रोडक्ट पहले से परचेस कर लिया है और फिलीपींस के अंदर कोई व्यक्ति आता है, वो उसकी जरूरत का प्रोडक्ट है और आपकी रेफरल लिंक उसको मिल गई या कंपनी ने प्रमोट की है, तो आपकी रेफरल लिंक से उसका रजिस्ट्रेशन हो गया और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी इनकम फिलीपींस से आने वाली है। आप सोच सकते हैं कि वो जो सब्सक्रिप्शन बाय करेगा तो उसका भी कमीशन आपको आएगा। लेकिन आपने वो प्रोडक्ट परचेज ही नहीं किया है, पैकेज परचेज ही नहीं किया है, तो फिर इनकम क्यों आएगी? और फिर दूसरी बात, आपकी रेफरल लिंक तभी जनरेट होगी ना जब आप उस प्रोडक्ट पैकेज को परचेज करोगे, उससे पहले आपकी रेफरल लिंक जनरेट हो ही नहीं सकती। बात को समझ रहे होंगे, आई होप आप बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आपकी रेफरल लिंक तब तक जनरेट नहीं होगी जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं कर लेते, कोई भी पैकेज बाय नहीं कर लेते। तो ये जो दो बातें एस मुफारिस सर ने कही थी, ये बहुत जरूरी है। तैयारी बहुत जरूरी है, आप हर लेवल की तैयारी यहां पे आप करते रहो करते रहो करते रहो, और इसके बाद जो भी हमारे प्रोडक्ट पैकेज आ रहे हैं, एक एक चाहे आप स्लोली स्लोली आप परचेज करो, लेकिन परचेज करना सभी हैं। आपने पहला प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उससे आपको इनकम होने लगी, अब आपके पास जो इनकम होने लगी आप उससे ही दूसरा प्रोडक्ट पैकेज भी परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अलग से परचेज करो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अलग से भी कर सकते हो। अगर आप जो इनकम कमाना आपने शुरू कर दी, उससे भी आप प्रोडक्ट पैकेज बाय कर सकते हो। दो बातें मैंने आपको बताई, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, एस मुफारिस सर ने कही थी। एस मुफारिस सर ने बोला था कि अगर मैं खुद फाउंडर होता तो मैं ऐसा ही करता। तो हम सब लोगों को उनके चरणों पर, उनके पद चिन्हों पर हमें आगे बढ़ते रहना है। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो सफलता है वो 110% नहीं बल्कि 1000% निश्चित है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।